गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव प्रचार के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार चुनाव प्रचार के लिए आए। सिंधिया और सिद्धू के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। मैच के बाद सिद्धू ने सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मोदी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, मोदी को लगता है 2014 के पहले भारत था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। मोदी का नाम लेते हुए कहा, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान का संविधान रच दिया था। जब मोदी अपनी माँ की गोद में झूला झूल रहे थे तब चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया था। जब RSS की शाखा में डंडे टकरा रहे थे तब हिंदुस्तान 3 जंग जीत चुका था। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। मैं तुम्हें यही कहने आया हूं कि आज पार्टियां नहीं हारने वाली, हिंदुस्तान हारेगा या जीतेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए बोलता हूं कि जब आने वाली पीढ़ी देखे तो वो ये ना कहे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो सिद्धू और सिंधिया साहब तमाशा देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनो, उठ बैठो, जब वक्त कहां आन पहुंचा है, जब दिल्ली में तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। दूध को भट्टी पे रखो, दूध का उबलना निश्चित, और लोगों में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए तो सरकार